इंदौर के गुमास्ता नगर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इंदौर पहुंचे। मंत्री सकलेचा ने उद्योगपतियों के सम्मान के बाद चर्चा में कहा कि इंदौर में नए क्लस्टर शुरू किए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः टॉय क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर सहित अन्य क्लस्टर शामिल रहेंगे। आज के समय में सबसे ज्यादा समय बचाने की जरूरत है। उद्योग लगाने वालों को 30 दिन में हर तरह की अनुमति मिले, इसकी प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसमें विपरीत स्थिति में उद्योग को आगे बढ़ाया, उद्योगों को सही टर्म्स में लोन देने के लिए। इसीलिए प्रदेश सरकार ने बैंकों से बात की है और आत्मनिर्भर एमपी में देश को अव्वल लाने के लिए उद्योगपतियों की भी अपनी जिम्मेदारी निभाने होगी। साथ ही में शहर को ज्यादा से ज्यादा उद्योग देने के लिए बड़े स्तर पर जमीनों को चिन्हित भी कर लिया गया है, ताकि उद्योगपतियों को अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने उद्योग को स्थापित करने में सहूलियत हो। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर मंत्री सकलेचा ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान है ही नहीं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है। वहीं एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश ने मंत्री सकलेचा के इंदौर में 7 क्लस्टर हाउस खोले जाने और उन पर नई उद्योग नीति लागू करने का स्वागत किया। सभी टाइप की इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल भी है और हम प्रयास भी करते हैं और हमारे में क्षमताएं भी बहुत है। क्षमताओं को चरम पर ले जाने के लिए जुनून जितना पागलपन भी चाहिए होता है। और जो आदमी अपने प्रोफेशन को, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, अगर उसकी गहराई में उतर गया तो वो जरूर सफल होता है, क्योंकि उसकी पूरी क्षमता उसमें होती है। और यही सफलता धीरे धीरे आगे बढ़कर एक सच्चा बनता है। मुझे मेरे ख्याल ये चौथा ट्रिप है मेरा इंदौर का। सबसे पहले ट्रिप में मैं आया था 15 अगस्त को सेकंड हाफ में। तब कुछ लोग मेरे को मिलने आए, कहते जमीन इंदौर में बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हर व्यक्ति के दिमाग में भी ये इंप्रेशन था कि इंदौर मतलब जमीन तो असंभव है। लेकिन जब शुरू की बात तो 1.5 से 2 हज़ार हेक्टेयर जमीन 7 दिन में हमें मिल गई, विद इन 20 किलोमीटर की रेडियस। तो जब जमीन इतनी दिखी तो फिर ये सोच की शुरुआत हुई कि भैया आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है समय बचाने की। तो हमने सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी तो हमने कहा भैया ठीक है, आप चाहो तो अनडेवलप्ड लैंड दे, ताकि जिसके मन में जब आए विद इन 30 डेज ही शुड बी इन अ पोजिशन टू स्टार्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी। हमारी तरफ से 30 दिन में सब चीज क्लियर होनी चाहिए और ये गाइडलाइन हमें मिली और हम उस एंगल से शुरू कर रहे हैं। अब चाहे जितने भी आवेदन आए, हम 30 दिन में एक बार तो बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश पूरी रहेगी। और सब टाइप की फॉर्मेलिटीज, काफ़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम कई एक्ट में परिवर्तन ला रहे हैं। विशेषकर कुछ एक्सपोर्टर्स ने बात करी कि हमारे यहाँ ट्रेड ग्रीन है, ट्रेड है, फिर भी पॉल्यूशन का बैंक के कारण या जिस कंट्री में इम्पोर्ट होता है वहाँ की जरूरत, तो हमने वो सब अधिकार वापस जीएम इंडस्ट्रीज को दिए कि अब पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में जाके उसे परेशान ना होना पड़े। फिर 2-3 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई। ये शायद मैंने भी 30 साल इंडस्ट्रीज चलाई है और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि 40-45 साल हो गए मुझे इस चीज़ को समझते हुए। ये पहला ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला जिसने सबसे बड़ी समस्या को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाने का प्रयास किया और पूरी सफलता भी पाई।
ऐसा प्रयास जो कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि कोरोना के काल में जब इंडस्ट्रियल डिमांड एक बार तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई कि फैक्ट्री चलेगी कैसे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, उस समय उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ 20% अतिरिक्त विदाउट एनी गारंटी विदाउट एनी पेपर वर्क एक्स्ट्रा फाइनेंस देकर उन्हें सर्वाइवल करके आगे बढ़ाने का जो हिम्मत दी उसका प्रतिफल ये रहा कि हर आदमी के दिमाग में आया कि नहीं अब हमें आगे बढ़ना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मौका दिया है जिसके कारण मैं आज बड़े गर्व के साथ बात कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेस 50% प्रोडक्शन का बेस पूरी दुनिया का चाइना में है और उसको घेरे में ऐसे घेरे में बांध दिया कि भारतीयों के लिए एक नया मौका नई अपॉर्चुनिटी मिली है। वो केवल इंडिया के लिए नहीं, उसमें अब हम कितना हिस्सा लें और दूसरे देश कितना हिस्सा लें ये वास्तव में आप लोगों के लिए चले। और इसीलिए बार बार में कम से कम 24 जिलों में मैं व्यक्तिगत रूप से जा चुका हूँ और हर जिले में मैं किसी को भी मना नहीं करता, मिलने से उसकी पूरी बात सुन के समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन डिलीवर आप ही को करना है, प्लान आप ही को करना है। कैपेसिटी से चल रहे हैं, आज हर उद्योगपति खुशी महसूस कर रहा है कि कोरोना का दर्द और दुख उसके लिए कम हो गया है क्योंकि शासन का और प्रशासन का जो सहयोग मिला है उससे बिजनेसमैन इज़ वेरी हैप्पी एंड दे आर डूइंग वेल। और उसके बाद नई उद्योग नीति आ रही है जो हमारे माननीय प्रधान इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने बोला है कि नई उद्योग नीति, इसके अंदर कई तरह की हमको उद्योगों को बेनिफिट दिए जाएंगे, जो पावर का भी रहेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई पे भी रहेगा और टैक्सेशन पे भी रहेगा। तो हम उस उद्योग नीति का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जिस तरीके से नए क्लस्टर बन रहे हैं, जिस तरीके से नई नई इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि इंदौर का जो औद्योगिक विकास है वो 4 गुना होने वाला है। जिस तरह सर ने बताया कि 1000 हेक्टर जमीन पुल आउट कर ली गई है, चिन्हित कर ली गई है, वो सरकार उसको लेके उसके अंदर क्लस्टर डेवलप करेगी। तो इसके अंदर टॉय क्लस्टर है, पेंट का है, रेडीमेड का है, पैकेजिंग का है, इस तरह के सारे क्लस्टर बनेंगे और उद्योगों को इससे बहुत गति मिलेगी। तो हमारी GDP जो है ये निश्चित रूप से 2 अंकों में हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। वार्षिक उत्सव पर क्या कुछ डिमांड भी की गई है मंत्री जी से? आज ऐसे वार्षिक उत्सव में हमने डिमांड ऐसा कुछ भी नहीं करी है, पर हम जो छोटी मोटी तकलीफ होंगे वो तो बच्चे माँ बाप के सामने बोलेंगे ही, कितना भी अच्छा वातावरण हो जाएगा उसके बाद भी बच्चे कुछ ना कुछ तो माँ बाप से मांगेंगे ही, तो हम लोगों की आदत है और मंत्री जी को देना भी पड़ेगा अपने बच्चों को देख के कि हम इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, GST के अंदर इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेबर के अंदर इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो हमारा हक भी बनता है कुछ ना कुछ मांगने का, आउट ऑफ वे जाने का। मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, थैंक यू वेरी मच। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।